हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्रिज़ शरीफ द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं आज खेले जाने वाले दुरान कप के फाइनल के बारे में, जहां पे होम साइड मोहन बगान सुपर जायंट टेक ऑन करने जा रही है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को। काफी एक एक्साइटिंग एंड हिस्टोरिकल फाइनल ये हो सकता है, क्योंकि मोहन बगान सुपर जायंट के पास मौका है बैक टू बैक दुरान कप टाइटल जीतने का, जबकि दूसरी साइड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के पास मौका है कि अपनी क्लब हिस्ट्री का यह पहला नेशनल लेवल का टाइटल जीतने का। सो इस सेंस में काफी एक हिस्टोरिकल फाइनल ये हो सकता है। अगर हम दोनों ही क्लब की इस टूर्नामेंट की जर्नी देखें तो काफी डिफरेंट रही है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने ग्रुप स्टेज में भी डोमिनेंस दिखाया, नॉकआउट स्टेजेस के जो मैचेस थे, क्वार्टर फाइनल एंड सेमीफाइनल, वहां पे भी उन्होंने डोमिनेटिंग विन हासिल की है टू रीच द फाइनल। दूसरी साइड मोहन बगान ने ग्रुप स्टेज में अच्छा खेला, वहां पे डोमिनेट किया, लेकिन उसके बाद नॉकआउट में उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा एंड पंजाब एफसी एंड बीएफसी के सामने उन्होंने पेनल्टी शूटआउट में विन हासिल किया है। नो डाउट वहां पे उन्होंने कमबैक भी मारे हैं, सो दैट शोज देयर मेंटालिटी। दूसरा, यहां पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का जो डिफेंस है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। सिर्फ उन्होंने एकमात्र गोल पूरे टूर्नामेंट में अभी तक कंसीड किया है, जबकि मोहन बगान के डिफेंस ने 5 गोल कंसीड कर दिए हैं। लेकिन अगर आप देखें तो मोहन बगान ने कंपैरेटिवली नॉकआउट में टफर ओपोनेंट को भी फेस किया है, जबकि जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का डिफेंस है वो उतने कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट के सामने अभी टेस्ट नहीं हुए, तो वो भी एक चैलेंज रहने वाला है। दोनों साइड्स की जो फ्रंट लाइन है वो काफी ज्यादा रेड आउट फॉर्म में चल रही है। सभी प्लेयर्स, चाहे वो बेंच से जो भी प्लेयर आ रहा है वो इम्पैक्ट डाल रहा है, जो स्टार्टिंग 11 में जो भी प्लेयर है वो भी इम्पैक्ट डाल रहे हैं। सो फ्रंट लाइन में कोई इश्यू नहीं है। मिडफील्ड में डेफिनेटली एक डिफरेंस मेकर बन सकती है दोनों टीमों के बीच में। जो आज अच्छा करेगी मिडफील्ड जिनकी, वो यहाँ पे इस गेम को निकाल सकते हैं, उसमें पूरी प्रोबेबिलिटीज है। उसके अलावा मोहन बगान के पास एक एडवांटेज ये भी है कि वो होम पे खेल रहे हैं, तो क्राउड का सपोर्ट भी उनको होगा एंड उनके प्लेयरों को पिछले 2 सालों में उन्होंने काफी इस तरह के मतलब हाई प्रेशर वाले फाइनल मैचेस खेले हैं, सो उनके पास वो एक्सपीरियंस है। जबकि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के जो प्लेयर है उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, तो कौन अपना जो नर्व्स या फिर जो प्रेशर सिचुएशन में अपने आप को बेटर हैंडल करता है, उनके पास जीतने का ज्यादा मौका रहेगा। लेकिन पेड्रो बेनाली ने एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीज बोली वो आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग है, कि हमारे लिए हारने के लिए कुछ नहीं है। डेफिनेटली आई थिंक दैट्स द वन थिंग जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लिए प्लस पॉइंट बन सकती है, कि भाई उनके लिए खोने के लिए कुछ नहीं, वो फाइनल में पहुंच चुके हैं, जीतते हैं तो दैट वुड बी अ ग्रेट अचीवमेंट। अदरवाइज भाई ऐसा नहीं है कि भाई किसी ने भी उनको फेवरेट माना था कि इस टूर्नामेंट के पहले कि भाई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जीतेगा। जबकि मोहन बगान के लिए होम क्राउड का सपोर्ट जितना आपके लिए प्लस पॉइंट है, उतना आपके लिए बैकफायर भी कभी कभी कर सकता है, क्योंकि अगर मैच सिचुएशन ऐसा बना कि आप पीछे चल रहे हो तो कहीं ना कहीं प्लेयर के ऊपर प्रेशर भी ज्यादा आ सकता है। सो उस सेंस में काफी एक्साइटिंग मैं फाइनल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, काफी कॉम्पिटेटिव, जहां पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दोनों टीमें कांटे की टक्कर देगी। आई डोंट सी वन साइडेड फाइनल टू बी ऑनेस्ट, सो मजा आने वाला है। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस फाइनल। माई पर्सनल यू कैन से की विश, और मैं चाहता हूँ कि डेफिनेटली कोई नया विनर देखने को मिले, तो इसका मतलब है कि नॉर्थ ईस्ट इस मैच को जीते तो ज्यादा मतलब क्या बोलते कि मजा आएगा। बट मोहन बगान इज अ टू स्ट्रॉन्ग साइड, सो डेफिनेटली अगर आप बिफोर द मैच बोले तो डेफिनेटली दे आर दी फेवरेट्स। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं इंडियन नेशनल टीम के बारे में, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल कप में 3 सितंबर से खेलने वाली है एंड आज टीम हैदराबाद में इकट्ठा होगी, जिसमें एक दो डाउट अभी भी बने हुए हैं, जिसमें सबसे पहला तो ऑब्वियसली अनवर अली के फ्यूचर के रिगार्डिंग है कि क्या वो नेशनल टीम के लिए अवेलेबल होंगे। क्योंकि जो न्यूज आ रही है वो ये आ रही है कि भाई एएफएफ की जो पीएससी है वो नेक्स्ट 48 to 72 hours में अपना डिसीजन सुनाएगी कि क्या भाई अनवर अली को स्पोर्टिंग कंपनसेशन, फाइनेंशियल कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। तो वो अगर उनको स्पोर्टिंग बैन देते हैं देन वो इंटरकॉन्टिनेंटल कप की स्क्वाड में अवेलेबल नहीं रहेंगे एंड देन मनोलो मार्केस को अपने जो दूसरे ऑप्शन है उसको यहाँ पे एक्सप्लोर करना पड़ेगा, यानी कि आपके साना सिंह, राहुल बेके, मेहताब सिंह, जय गुप्ता, इन सबको आपको फिर सेंटर बैक के लिए यहाँ पे रेडी करना पड़ेगा। एंड दूसरी चीज है कि मनोलो मार्केस भी आई थिंक आज छूट जाएंगे, क्योंकि एफसी गोवा का भी जो ग्रुप स्टेज है वो मांडोदकर ट्रॉफी में उनके मैचेस खत्म हो चुके हैं। सो ये दो इंटरेस्टिंग चीजें हैं एंड आज पता चल जाएगा कि जो फाइनल स्क्वाड है उसमें कौन कौन से प्लेयरों ने जगह बनाई है। आई थिंक एक दो प्लेयर ही ड्रॉप होंगे, क्योंकि 26 की स्क्वाड है तो मिनिमम आप 23 तो लेके जाओगे ही जाओगे। सो देखते हैं कौन कौन से प्लेयर फाइनल स्क्वाड में आते हैं एंड आई एम रियली एक्साइटेड। लेट मी नो गाइस आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफर डेडलाइन डे के बारे में। तो आज फाइनल डे है फॉर द ट्रांसफर्स एंड काफी सारे आईएसएल आई लीग क्लब अपनी जो रिमेनिंग स्क्वाड को
फिलअप करने के लिए देखेंगे, जिसमें एक इंटरेस्टिंग मूव बना है साचू सीबी, चेन्नई एफसी प्लेयर जिनको इंटर कासी ने 2+1 ईयर की डील के साथ साइन कर लिया है, एंड उनको इंटर कासी ने अपना जो सिस्टर क्लब है एंडोरियन क्लब, इंटर क्लब दी एस्केलास, वहां पे लोन पे भेज दिया है। सो दैट्स दी इंटरेस्टिंग मूव फॉर साचू सीबी एज एक्सपीरियंस के तौर पे, 23 ईयर ओल्ड इंडियन लेफ्ट बैक, तो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस वहां पे उनको यूरोपियन लीग में खेल के मिल सकता है एंडोरियन क्लब के लिए। सो देखते हैं कितना गेम टाइम वहां पे मिलता है, एंड आई थिंक इट्स अ गुड मूव फॉर हिज एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस टू प्ले अगेंस्ट द कॉम्पिटिटिव साइड्स। सो देखते हैं किस तरह का उनका आगे का जर्नी रहता है। उसके बाद बाकी आईएसएल क्लबों की बात करें तो केरला ब्लास्टर एक डोमेस्टिक इंडियन प्लेयर की साइनिंग देख रहा है, दूसरी साइड मोहन बगान सुपर जायंट एक इंडियन सेंटर बैक की तलाश में है, तो इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या प्रीतम गोटाल, एलेक्स साजी की डील वो कंप्लीट कर पाते हैं या फिर कोई और इंडियन सेंटर बैक को ला पाते हैं। ईस्ट बंगाल भी प्लेयरों को, इंडियन प्लेयरों को देख रहा है, अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो वो साइन करेंगे, अदरवाइज उनकी जो बी टीम है उनके प्लेयरों को प्रमोट करेंगे। हैदराबाद एफसी के लिए आज का जो डेडलाइन डे है वो काफी ज्यादा यहाँ पे क्रूशियल रहने वाला है, क्योंकि हम सबको पता है कि उनके पास पूरी स्क्वाड फिलअप करने के अभी तक प्लेयर नहीं है। सो डेफिनेटली दे विल लुक फॉर यू कैन से कपल ऑफ डील्स, एंड अभी तक ये भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि उनके जो सारे ट्रांसफर बैन है वो लिफ्ट हो गए हैं। सो काफी क्रूशियल डे आज हैदराबाद एफसी के लिए डेडलाइन डे में रहने वाला है। सो इंटरेस्टिंग साइनिंग्स एंड आउटगोइंग्स आपको हर किसी एक क्लब में से देखने को मिलेगी। सो लेट मी नो गाइस आप किस साइनिंग के लिए एक्साइटेड हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके बाद बात करते हैं ओडिशा एफसी की वुमेन्स टीम के बारे में, जिनके लिए आज एएफसी वुमेन्स चैंपियंस लीग में काफी क्रूशियल मैच है अगेंस्ट दी जॉर्डन्स एतियात क्लब, एंड हूएवर विंस गोस टू दी ग्रुप स्टेज, या फिर ड्रॉ भी रहा तब भी जॉर्डन का क्लब क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि जीडी उनका बेटर है, उन्होंने भी जो सिंगापुर का क्लब था उनको 5-0 से हराया था, जबकि ओडिशा ने 4-1 से उनको हराया था। तो काफी क्रूशियल मैच ओडिशा एफसी की वुमेन्स टीम के लिए रहने वाला है, काफी अच्छी स्कोर है, उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, एंड आज रात 9:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से मैच खेला जाएगा, एंड जॉर्डन एफए का जो यूट्यूब चैनल है वहां पे आपको ये मैच लाइव देखने को मिल जाएगा। सो लेट होप सो कि ओडिशा एफसी की जो वुमेन्स टीम है वो ग्रुप स्टेज के लिए क्वालिफाई करे, एंड हमारी जो वुमेन्स प्लेयर है उनको एक क्रूशल यहाँ पे एएफसी वुमेन्स चैंपियंस लीग में एक्सपोजर के तौर पे मैचेस मिले, तो वो काफी एक इंटरेस्टिंग चीज रहेगी। लेट मी नो गाइस व्हाट डू यू थिंक, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उसके बाद बात करते हैं बांधवगढ़ ट्रॉफी के बारे में, तो उसमें भी ग्रुप ए से 2 सेमीफाइनल कन्फर्म हो चुके हैं। फर्स्ट इज एफसी गोवा, जिन्होंने कल डेम्पो को 2-1 से हरा दिया एंड अपने ग्रुप पे टेबल टॉप पे फिनिश किया है, एंड दूसरा है ऑस्ट्रेलियन ए लीग क्लब ब्रिस्बेन रोर, जिन्होंने 2-0 से स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा को कल हराया, लेकिन वो सेकंड पे फिनिश किए हैं। ग्रुप भी काफी इंटरेस्टिंग बन चुका है, ओडिशा एफसी का ऑलमोस्ट श्योर शॉट है कि वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे, लेकिन जो बाकी मैच बचा है चेन्नई एफसी वर्सेस डिफेंसिया जस्टिसिया, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच रहेगा, एंड वहां पे जो भी जीतेगा वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। तो ग्रुप बी से अभी भी कंफर्म होना बाकी है कि कौन सी दो टीमें क्वालिफाई करेगी, बट ग्रुप ए से एफसी गोवा ऑन दी टॉप एंड ब्रिस्बेन रोर यहाँ पे सेकंड पे फिनिश की है इन दी बांधवगढ़ ट्रॉफी, एंड सेमीफाइनल भी काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे होने वाले है। लास्ट में बात करते हैं क्लाइमेट कप लद्दाख में जो होने वाला है 1 सितंबर यानी कि कल से, उसके फिक्सर्स ग्रुप स्टेज के यहाँ पे आउट हो चुके हैं, एंड टोटल 6 क्लब हम सबको पता है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो वो भी एक एक्साइटिंग टूर्नामेंट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा लद्दाख के वो मतलब बैकड्रॉप वाले व्यूज के साथ। सो लेट्स सी इस बार के क्लाइमेट कप का विनर कौन बनता है, क्योंकि आईएसएल का क्लब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की रिजर्व टीम एंड गोकुलम केरला भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है आई लीग से। सो काफी एक इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट वो भी हमें देखने को मिलेगा। सो लेट मी नो गाइस who is your favorite team in this climate cup. So that's it from my side guys regarding today's Indian football news. I hope ki aapko video pasand aaya hoga. Keep supporting Indian football. Don't forget to like, share and subscribe. Curious Eddie. Jai Hind, Jai Bharat.